जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा है, तो मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर की सदर सीट पर भी घमासान जारी है, जहां 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन पश्चिम की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर दावों का दौर जारी है, क्योंकि रामपुर की सदर सीट आजम खान की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई। माना जा रहा है कि आजम खान यहां से अपनी पत्नी तजीन फातिमा को चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में आजम खान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि वो एक बाजी पहले भी हार चुके हैं और अब कहीं ना कहीं रामपुर में आजम खान की साख दांव पर लगी है। वहीं एक लड़ाई खतौली सीट को लेकर भी है, जो भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। कहने के लिए ये सीट भाजपा के हिस्से की है, लेकिन इसे खाली कराने की लड़ाई जयंत चौधरी ने भी लड़ी। यही वजह है कि सीट पर जयंत चौधरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रविवार को जयंत खतौली में 3 जनसभा करने वाले हैं। माना जा रहा कि मंच से जयंत अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर सकते हैं। खतौली कस्बे को छोड़कर पूरा किसानों का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है। खतौली में अधिकांश गांव का आदमी किसान रहता है, मजदूर रहता है। तो गांव-गांव में लोकदल का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से जुड़ गया था जिस दिन इस चुनाव की घोषणा हुई थी। खतौली उपचुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सपा गठबंधन का बढ़ता सियासी रुख तय करेंगे, और ये भी तय करेंगे कि भाजपा की घेराबंदी के लिए रालोद जो प्लान बना रही वो प्लान सही वक्त पर सटीक बैठता है या नहीं। मतलब जैसे जैसे वक्त बीत रहा, खतौली की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही, क्योंकि विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने को जयंत चौधरी अपनी चिट्ठी का कमाल बता रहे हैं। लेकिन खतौली सीट जीतकर भी क्या जयंत बड़ा कमाल कर पाएंगे?